गाइस, आखिर मैं गणपति बापा को स्थापन कर ही ली, घर लेके आई हूँ। थोड़ी पूजा पाठ की है। वीडियो थोड़ी मतलब शॉक देने वाली है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा कभी वीडियो में इस वीडियो पे ऐड की हूँ गाइस। सो देखिए, कंटिन्यू करते रहिए। सो आज है विश्वकर्मा पूजा गाइस। विश्वकर्मा पूजा मैं हमेशा से मानती आई हूँ, क्योंकि जिसकी सब तो उसकी कृपा में ही होती है ना गाइस। साइकिल हो, बाइक हो, जो भी मशीन की चीज़ हो, सो विश्वकर्मा प्रभु की ही तो दिया हुआ वरदान है। सो उनकी पूजा पाठ करनी ही चाहिए। सो मैं मानती हूँ, छोटी उम्र से ही हम लोग विश्वकर्मा पूजा मनाती हूँ। सो मैं इस तरीके से सिंपल तरीके से मनाई आज। देखो गाइस, अभी दोपहर का टाइम है, क्योंकि पूजा पाठ हो गई। अब ये है ब्राउन राइस, थोड़ी मूंग दाल के साथ मैं खिचड़ी, मिक्स खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि पूजा के दिन मतलब शुद्ध एकदम निरामिष। सो इसलिए बना रही हूँ थोड़ी खिचड़ी सिंपल तरीके से। यह आधा भी कूट ली है, पाँचफोरन, घी, मूंग दाल, ब्राउन राइस दे के आज मैं ये खिचड़ी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ब्राउन राइस के साथ गाइस। सो जो भी हो, सुबह से मैं थोड़ी काम पे लगी हुई थी, सब दिखाने की पॉसिबल नहीं है। जो भी है, जो भी मतलब थोड़ी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। अभी चावल एक साथ ही मैं फ्राई कर रही हूँ, सब्जी टमाटो भी दे दी, मिर्चा भी दे रही हूँ, तो थोड़ी घी भी दे रही हूँ। सो खिचड़ी में घी देने से टेस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है और खुशबू भी थोड़ी ज़्यादा आती है गाइस। तो एक सीटी लगा लूँगी, उसके बाद ये देखो हो गई मेरी खिचड़ी, ढक्कन खोल दी है एकदम, मतलब बहुत अच्छे से हुई है। देखो गीला गीला भी नहीं, मतलब एकदम जैसे सॉस में बनाते हैं वैसे ही हो रही है गाइस। अभी थोड़ी घी फिर से दे रही हूँ। सो आज के दिन मतलब पूजा पाठ से लेकर दोपहर तक ऐसे ही मतलब मेरी जा रही है। ये हो गई मेरी खिचड़ी गाइस। आलू भी थोड़ी बड़ी करके दी थी। अभी मैं मेरी खिचड़ी परोस रही हूँ, देखो गाइस। और अभी मजा लेके मैं खा रही हूँ। सो फिर से सबको बोल रही हूँ हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, और हम लोग नीचे बैठ के ही खा रहे हूँ गाइस। सो देखो टेस्ट लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ है। फर्स्ट टाइम ब्राउन राइस की खिचड़ी बनाई मैंने गाइस। ये आलू बहुत पसंद है मुझे, कोचू भी दी थी, ये है कोचू। सो आज की ब्लॉग यही है। अभी देखो यह नेक्स्ट डे का है, गणेश चतुर्थी का। सो ये मैं स्थापन कर ली गणेश बाबा को, देखो गाइस, बत्ती लगा ली, ये देखो अच्छे से शुभ लव सब कुछ रेडी सिद्धि दाती माँ को भी स्थापन की है साइड में ही। सो मेरी तरीके से छोटी मोटी कोशिश है गणेश बप्पा के लिए, और मैं बहुत मानती हूँ मेरी बप्पा को, मेरी मनोकामना पूरी करती है। मैंने जो मांगी सो मुझे दी है आज तक। सो गणपति पापा मोरिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी गणेश चतुर्थी, सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सो घर पे थोड़ी पूजा पाठ कर ली, देखिए। सो छोटी मोटी ब्लॉक है, अभी शुरू कर रही हूँ। सारा 11:12 बजने वाले हैं। सो वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखने की कोशिश कीजिए गाइस। और ये देखो मैं बप्पा को पूरी श्रद्धा और भक्ति से मतलब पूजा कर रही हूँ, तो बहुत सुकून मिलती है, बहुत सुकून मिलती है। गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। देखो गाइस कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी पापा। पापा करे तो नेक्स्ट ईयर मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। ये सब पापा के ऊपर ही मैं छोड़ के रखी हूँ।
सो मेरी पापा और मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़े फ्रूट्स और ये मोदक और लड्डू ऐसे ही थाली को सजा ली गाइस, क्योंकि अगले दिन ही विश्वकर्मा पूजा की छोटी मोटी जो भी हो, तो पिछले दिन गणेश चतुर्थी मतलब एक साथ हो गई ना, इसलिए थोड़ी मतलब शॉपिंग करने के लिए जाने भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी गाइस। सो इसलिए अभी दोपहर के लिए खाना बनाने हुए, देखो अरहर दाल पूजा पाठ क्योंकि हो गई, मैं भी फास्ट पे थी। ये ढेकिया हाक बोलते हैं हम लोग असम, इसमें बिना लहसुन प्याज के ही बनाऊंगी। ये है लाई पत्ता, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मतलब अभी तो बहुत छोटी छोटी ही मिलती है। अदरक दे के ही मैं मिर्चा के साथ फ्राई कर रही हूँ ढेकिया हाक को, और मुझे ढेकिया हाक बहुत पसंद है गाइस। आसाम में तो फेमस है और सबकी शायद फेवरेट भी है ढेकिया हाक, साथ में मेरी भी। अभी ये देखो टेंगा रबाब टेंगा बोलते हैं हम लोग आसामीज में, ये देखो मुंह में पानी, देखो इतनी मतलब मजा, बाबा भी बोला माँ खाऊंगी। सो इसको अभी बनाऊंगी मिर्चा दे के थोड़ी चटनी टाइप की, मतलब हाथ से मेहनत करूंगी गाइस। देखो कुछ भी नहीं खाया लेकिन टेंगा खाने की बहुत मन हुई है, अभी खा लूंगी खाना खाने से पहले। धूप भी है थोड़ी बहुत, साथ में काम भी कर रही हूँ। ये देखो लाइहाक की भाजी भी हो रही है गाइस, सिंपल तरीके से बनाई हूँ। और ये फाइनली मेरी टेंगा, आहा मुंह में पानी आ गई है, बहुत टेस्टी है गाइस, आप लोग भी एक बार खा के देखिए। अरहर दाल हो गई है कुकर में, फटाफट बना ली मैंने। सो ये देखो भाजी भी हो गई है, थोड़ी धनिया पत्ता दे दी दाल में तभी टेस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। अभी खाना हो गई, ये स्माइली फ्राई कर ली, दो दो टाइप की साग भाजी दाल और मिर्चा अभी मैं खाऊंगी। और खाने से पहले मैं हमेशा भगवान के नाम लेके ही खाती हूँ गाइस, खाना बहुत टेस्टी है। खाने का टाइम मुझे किसी से मतलब किसी के मैं नहीं सुनती हूँ, मजा लेके खाती हूँ। बहुत भूख भी लगी थी गाइस, फटाफट एकदम खा रही हूँ, बहुत टेस्टी लग रही है और ज़्यादा मुझे भेज ज़्यादा पसंद है गाइस। और छोटी मोटी ब्लॉग आज यही मैं क्लोज करूँगी, ये मतलब इस वीडियो में मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी गणेश चतुर्थी की, और भी कुछ मोमेंट दिखाने की कोशिश करूँगी मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मेरे मतलब ब्लॉग देखते जाइए, सो पता चल जाएगी। सो आज की छोटी मोटी ब्लॉग कैसी लगी गाइस, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट ब्लॉग्स के साथ आप लोग की मुन फिर से हाजिर। तो इस ब्लॉग को आप लोग कंटिन्यू करते रहिए गाइस, कुछ मोमेंट में दिखाने की और कोशिश करूँगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी इसलिए इस वीडियो में मैंने ऐड नहीं की गाइस। सो बाय बाय।